गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डायरेक्टर सर, हेड मैम, प्रिंसिपल मैम, प्रतीक सर, प्रिंसिपल मैम और वाइस प्रिंसिपल सर को कि उन्होंने बहुत ही अच्छा मौका मुझे दिया है इस सेशन में को चलाने के लिए। और जो कि आज का मेरा जो टॉपिक है वो है बच्चों के विकास एवं प्रभावित करने वाले कारण। तो बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाले कारण कैसे, तो हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे ठीक है, दिन भर हम लोग बच्चों के साथ रहते हैं लेकिन थोड़ा सा हम लोग अपने परिवार के भी बच्चों को भी ध्यान में रखते हैं कि किस प्रकार वो उनसे प्रभावित होते हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं इस सेशन का पहला भाग। तो अगर देखा जाए मनुष्य सजीव प्राणी है, ठीक है, सजीव प्राणी है यानी उसमें हर एक प्रकार के वृद्धि है ना, चलन, आना जाना, खान पान यानी हर प्रकार की क्रियाएं उसमें होते रहते हैं। तो मनुष्य सजीव प्राणी है कहा जाता है। सजीव या जीवित प्राणी अपने जीवन प्रसार में सक्रिय बने रहने के लिए निरंतर गतिशील रहता है। यानी मनुष्य में अगर कहा जाए, चाहे वो बालक हो चाहे हम सब हो, वो हमेशा गतिशील प्रक्रिया करते रहते हैं, आना जाना, दौड़ना, खेलना कूदना, इधर उधर भागना। क्लास में भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इधर उधर भागते रहते हैं, आप मना करते भी हैं तब भी थोड़ा सा इधर उधर वो करते रहते हैं, लेकिन अगर आप वही शक्ति से पेश आते हैं, थोड़ा सा डांटते हैं, डराते हैं तो वो स्थिर हो जाते हैं। यह भी कहा गया है कि जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में नए नए गुणों का आविर्भाव और पुरानी विशेषताओं का लोप होता रहता है। यानी जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, अगर छोटा सा बालक है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके अंदर वो सारी स्थिरता धीरे धीरे आना शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, यानी हर एक क्षण एक छोटे से बच्चे में परिवर्तन होते रहता है, चाहे वो शिशु बालक हो, जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है थोड़ा बहुत उसके चेहरे में, उसके हाव भाव में, उसके बॉडी में बहुत सारे परिवर्तन क्रियाएं होने लगते हैं। इसके अंतर्गत शारीरिक एवं मानसिक गुणों तथा विशेषताओं का नियमित उत्पत्ति भी होती है। यानी सिर्फ शारीरिक और मानसिक के साथ साथ बहुत सारे गुण ऐसे हैं जिनमें उनमें परिवर्तन आते रहता है, इसे ही विकास कहा जाता है। यानी शरीर में जो परिवर्तन होते रहता है उसे ही विकास कहा जाता है। सिर्फ शरीर में ही नहीं बल्कि मानसिक रूप में भी है ना, बच्चों के मानसिक रूप में भी स्थिरता उत्पन्न होती है, वो आगे बढ़ना, वो कुछ जानने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे उनका विकास शुरू हो जाता है। कुछ विकास के कुछ पक्षधर होते हैं जैसे शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास में बहुत सारे उसके कद के अनुसार शारीरिक विकास होते हैं। मानसिक विकास संवेगात्मक विकास यानी किसी भी चीज़ों को जानने की इच्छाएं रखते हैं। सामाजिक विकास समाज में रहते हैं और नैतिक विकास एवं सौंदर्यात्मक इत्यादि विकास। तो इन विकासों को हम लोग आज हम जानेंगे। साथ ही साथ ये बताया गया है कि बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषीय एवं मूल्य पर विकास अलग अलग रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं। बालक की शारीरिक विकास की प्रक्रिया में अनेक आंतरिक या बाह्य अंगों मांसपेशियों का विकास होता है। यानी जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, उनके मांसपेशियों में भी परिवर्तन होते हैं, उनके कद काठी जो होते हैं वो बड़े होने शुरू हो जाते हैं, वो दूसरों को पहचानना शुरू कर देते हैं। यह भी कहा गया है कि मानसिक विकास की प्रक्रिया को जटिल प्रक्रिया माना जाता है। मानसिक विकास की प्रक्रिया जो है एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि अगर उसकी बुद्धि जो होगी विकसित होगी तो वो हर एक चीजों को पहचान सकेगा, हर एक चीजों को जान सकेगा और जानने के पश्चात वो उसे समझेगा, उसे जान करके वो उस कार्य को पूर्ण करने की कोशिश करेगा। तो मानसिक विकास पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं क्योंकि मन में जो मानसिक विकास होगा तो वो हर एक प्रकार के क्रियाकलापों को सही तरीके से कर पाएगा। कहा गया है कि जिसको अलग से सुनिश्चित कर पाना संभव नहीं है, यानी हम अलग से उसके मानसिक का विकास नहीं कर सकते। शारीरिक विकास तो कर सकते हैं बालकों का, कुछ एक्सरसाइज करा करके, कुछ टॉनिक इत्यादि पिला करके, जिससे कि उसमें वृद्धि हो जाए, लेकिन मानसिक में हम कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। वो जब भी करेगा तो खुद से ही वो विकसित होगा उसके बाद से। अनुसंधानों पर आधारित मापदंडों के आधार पर मानसिक विकास का पता चलता है।
संवेगों का बालक के जीवन महत्वपूर्ण स्थान है जो व्यक्ति के अस्तित्व को संतुलित बनाते हैं। संवेगात्मक असंतुलन में से बालक में अनेक मानसिक विकृतियां उत्पन्न होती हैं। कहा यह भी जाता है कि सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति बदलती परिस्थितियों के साथ साथ सामंजस्य स्थापित करता है, यानी जिस प्रकार उसकी परिवर्तन यानी परिस्थिति बदलती रहती है उस प्रकार वह उसके अनुसार बढ़ता जाता है और अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध बनाता है। एक बच्चा जो है अपने माता पिता के साथ धीरे धीरे रह करके उसको पहचानता है, जानता है और उससे संबंध बनाए रखता है। जैसे अगर अगर छोटा सा बच्चा आपके घर में नन्हा सा लगभग एक डेढ़ साल का बच्चा है तो आप उसे पुकारेगा तो नहीं आपके ताकेगा, लेकिन जैसे ही उसके माता पिता उसको पुकारेंगे तो तुरंत वो उसकी ओर आकर्षित होगा, उसको देख करके हंसेगा, मुस्कुराएगा। उसके बाद भाषा बुद्धि के उपयोग और तर्क का एक माध्यम है। जो विकास जो होता है वो भाषा के अंतर्गत भी उसे माना गया है। जैसे छोटे बच्चों को पुकारते हैं बाबू तो वो ताकता है, अगर दूसरे व्यक्ति अगर पुकारेंगे तो वो शायद उसको इग्नोर कर दे, उसे ध्यान नहीं दे। मूल्य पर विकास बालक के सामाजिक नैतिक एवं मूल्यों की विवेचना करता है। विकास का अर्थ परिभाषा एवं उसके पक्ष। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत तक अविराम गति से चलती रहती है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता वरन इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक मानसिक सामाजिक संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं जो गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक चलते रहते हैं। यानी अगर बच्चे का विकास करके या मनुष्य का विकास अगर कहें तो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक निरंतर तक वो चलता रहता है, यानी मृत्यु से पहले तक वो विकास चलता रहता है। पर हम जानते हैं कि हर क्षण हम शिक्षक बन के कुछ ना कुछ देख करके या बच्चों से सीख करके अपना विकास भी करते रहते हैं। क्लास में अगर बहुत सारे प्रश्न इत्यादि उत्पन्न होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने बच्चों से आंसर मांगते हैं कि बच्चे कहाँ तक समझते हैं, और जहाँ तक अगर वो सही आंसर देते हैं तो थोड़ा सा हम क्या परेशान करते हैं कि उन्होंने आंसर कैसा दिया और उसकी तुलना में हम करके उसको और बेहतर आंसर बना करके उनको देते हैं। तो यह है जो हमेशा हम लोग इसे सीखते रहते हैं। तो यह सीखना जो है जीवन पर्यंत तक यानी मरने से पूर्व तक हम सीखते रहते हैं हर तरह। यहाँ पे हर लॉग के द्वारा बताया गया है कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है वरन व्यवस्थित तथा समुन्नत परिवर्तन है जिसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, यानी दिन प्रतिदिन यह परिवर्तन होते रहता है, इसको कोई इसे हम रोक नहीं सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं योग्यताएं प्रकट होती हैं। यानी जब हम सीखते हैं तो हर प्रकार के विशेषताएं हमारे अंदर जागृत होती है, बच्चों के अंदर जागृत होती है और वो कुछ ना कुछ कार्य को रूप में उसे अंजाम देते रहते हैं। हम लोग की एक और परिभाषा को अगर हम जाने तो वो कहते हैं कि एक पक्ष में न होकर सभी पक्षों में समान एवं व्यवस्थित परिवर्तन विकास की सही रूप में व्याख्या करते हैं। यह परिवर्तन मृत्यु पर्यंत तक लगातार या निरंतर चलते रहते हैं। विकास के अंतर्गत कई पक्ष सम्मिलित हैं जो इस प्रकार है, जैसे शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, रचनात्मक विकास और सौंदर्य विकास। अब हम आते हैं शारीरिक विकास के कामक विकास के रूप में हम जानेंगे कि शारीरिक विकास किस प्रकार के होते हैं, अन्य उनमें कौन कौन से परिवर्तन बच्चों में आते हैं, इन चीजों को हम जानेंगे। तो कहा जाता है कि शारीरिक विकास से अभिप्राय बालक की शारीरिक रचना एवं गठन में होने वाला परिवर्तन। यानी एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के पश्चात
वो अपनी मांसपेशियों को इधर उधर फेंकता रहता है, जिसके कारण उसके परिवर्तन होते रहता है और उसका विकास होते रहता है, जिसके अंतर्गत शारीरिक भार। जब छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, बहुत कोई पूछता है कि कितने पाउंड का है छोटा सा बच्चा, तो आप बताते हैं इतना पाउंड होना चाहिए, इतना पाउंड नहीं, वो पोषण के अंतर्गत है या उसको पोषण सही तरीके से नहीं मिला है, तो वो सारी चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो भार, लंबाई, लंबाई हड्डियों दांत इत्यादि में होने वाले विकास संबंधित है। बहुत सारे विकास शारीरिक विकास के अंतर्गत अगर कहा जाए तो भार, लंबाई, हड्डियों, दांत इत्यादि के इसमें सम्मिलित होते हैं। गामक विकास शारीरिक विकास से जुड़ा प्रयत्न है, प्रत्यय है, जिसके अंतर्गत मांसपेशियों एवं हड्डियों की सक्षमता के साथ उन पर नियंत्रण सम्मिलित है। इसी के साथ विभिन्न क्रियाओं को करने में कौशल का विकास भी इसी के अंतर्गत माना है, जैसे चलना, कूदना, सीढ़ी चढ़ना, भोजन करना, कपड़े पहनना इत्यादि। गामक कौशल के विकास के लिए शारीरिक विकास सही रूप में होना आवश्यक है, यानी शारीरिक विकास जो होगा वो सही जरूरी है बच्चों के शारीरिक विकास के लिए। शारीरिक विकास के प्रमुख पक्ष इस प्रकार है। पहला अगर देखा जाए तो शरीर रचना, शरीर रचना के अंतर्गत हम जानेंगे कि शारीरिक विकास की प्रक्रिया में अनेक आंतरिक और बाह्य अंगों तथा मांसपेशियों का विकास होता है। परिपक्व की विभिन्न अवस्थाओं में अभिवृद्धि की गति में अंतर होता है। शरीर की रचना स्नायु प्रणाली, श्वसन प्रणाली, पाचन संस्थान आदि की अभिवृद्धि तथा परिपक्वता एक दूसरे से संबंधित होती है, यानी ये सारी जो चीजें जो है हमारे शारीरिक विकास से संबंधित है, जैसे श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार हो रही है, पाचन हो रहा है कि नहीं बच्चों में, उसकी स्नायु प्रणाली जो है सही ढंग से हो पा रही है कि नहीं, तो ये सारी चीजों को हम लोग ध्यान देते हैं। सामान्य शारीरिक विकास, शारीरिक विकास का सामान्यतः एक साथ होना चाहिए, उसमें विकास से इसका निकट संबंध होता है। इसको चार भागों में हम लोग बांटते हैं, जैसे स्नायु, मांसपेशियों, इंड्रोसन, ग्रंथियां एवं शरीर का आकार। विभिन्न शारीरिक विकास, शारीरिक विकास प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न रूप में होता है। यह भिन्नता शरीर के कद रूप में पाई जाती है। इंड्रोसी ग्रंथियों में ग्रंथियों के ठीक से कार्य न करने का सीधा प्रभाव शरीर की रचना कद आदि पर पड़ता है। तो शरीर की रचना कद आदि पर पड़ता है। हम देखते हैं कि ज्यादातर बच्चे जो खेलते रहते हैं तो वो उनको ध्यान नहीं रहता है कि किस जगह चोट लगेगी जिसके कारण उनका विकास रुक सकता है। तो अगर डॉक्टर के पास अगर हम जाए तो मालूम चलेगा, अगर जो बच्चा ज्यादातर अपने तवे के ऊपर ज्यादा प्रेशर देता है तो उसका ग्रोथ जो होता है रुक जाता है, उसका विकास नहीं हो पाता है, तो जिसके कारण उसके विकास का अवरोध पैदा हो जाता है। इसलिए अगर आपके घर में अगर छोटे बच्चे हो तो उनको ध्यान में रखेंगे कि जब भी वो खेले तो कहिएगा कि उनको पंजे पर खेलना होगा। अगर दौड़ना है तो पंजे पर अगर दौड़े तो काफी अच्छा हो, नहीं तो एड़ी के बल अगर दौड़ते हैं या धप धप कस के मारते हैं ऐसे, तो जिसके कारण ग्रोथ पॉइंट क्या हो जाता है, रुक जाता है और उसका विकास जो है निश्चित नहीं हो पाता है। तो यह जानना बहुत ही जरूरी है हम सब शिक्षकों के लिए, ताकि हमारे घर के भी बच्चे हैं जो इस चीज को नहीं हम लोग गौर कर पाते हैं कि उसका विकास क्यों अवरुद्ध हो गया, क्यों रुक गया। शरीर का कद अगर हम देखें, शरीर का कद, शरीर के आकार से हमारा अभिप्राय ऊंचाई तथा भार से है। ऊंचाई तथा भार से है, ये दोनों मिलकर विकास निश्चित स्वरूप प्रदान करता है, यानी जिस तरीके से हमारा ऊंचाई बढ़ता है उसी तरह से हमारा भार भी बढ़ता है। अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो छोटे बच्चों को सबसे पहले हाइट नापते हैं और उसका वजन तौलते हैं, ताकि उसके अनुसार वो बहुत सारी चीजों को जानकारी आपको दे सके। कद, जन्म से जन्म के समय बालक की लंबाई लगभग 20 इंच होती है। जब छोटा सा बालक जन्म लेता है तो उसकी लंबाई जो है 20 इंच देखा जाता है। लड़कों की लंबाई लड़कियों की अपेक्षा जन्म के समय आधा इंच अधिक होता है। परिपक्वता आने तक बालक की ऊंचाई की गति में धीमापन आ जाता है।
यानी जैसे बालक जो बड़ा होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है थोड़ा सा उसमें धीमापन आ जाता है, हाँ, उसकी अपेक्षा लड़कियों को देखते तो वो काफी तेजी से बढ़ना शुरू कर देते हैं। 12 वर्ष की अवस्था में सामान्य बालक 55 इंच लंबा हो जाता है। 10 से 14 वर्ष की आयु में लड़कियों का शारीरिक विकास तेजी से होता है। 21 वर्ष में लड़कों की ऊंचाई अधिकतम सीमा तक बढ़ जाती है, यानी अगर देखा जाए तो निश्चित सीमा जो है 21 वर्ष तक ही है। अगर इस 21 वर्ष तक बच्चे अगर बढ़ जाते हैं तो उसके बाद बढ़ना संभव नहीं है, इसीलिए छोटे बच्चों को ध्यान में रखना है ना। और हमारे विद्यालय में भी जो भी मेन टीचर जो भी पढ़ाते हैं वो उन पर विशेष जोर देंगे ताकि बच्चे जो है इस चीज को समझे कि कहाँ पर किस ढंग से दौड़ना है, किस ढंग से कहाँ पर प्रेशर देना है, तो उनको भी ध्यान रखना है कि कहाँ पर किस ढंग से दौड़ने से उनका जो हाइट होगा वो और उतना होता है। ऐसे तो माँ बाप तो नहीं जानते लेकिन गेम टीचर वगैरह जो बताते हैं तो वो बालक अच्छे ढंग से समझते हैं ताकि उनके विकास में अवरोध उत्पन्न न हो। बालकों की ऊंचाई निर्धारित वंश क्रम, प्रजाति, सामाजिक आर्थिक स्थिति तथा रहन सहन पर का प्रभाव पड़ता है। कभी कभी रहन सहन का भी प्रभाव पड़ता है। होता क्या है कि बहुत सारे परिवार में बहुत 4-5 बच्चे होते हैं और वहां पर बेड एक ही होता है। अब एक ही बेड में वही 4-5 बच्चे एक साथ सोते हैं, जब सोते हैं तो उनका जो फैलाव होना चाहिए वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो अगर बच्चे को सही ढंग से सुलाया जाए तो हो सकता है कि उनके शारीरिक विकास में वृद्धि होगा। अगर वही वो प्रस करके सोए, मतलब एक साथ 4 एक ही पलंग पर के 6 फीट पलंग पर के अगर 6-7 बच्चे अगर सोते हैं तो उनका विकास क्या हो जाता है, और रुक जाता है, वो रुक जाता है, उसकी लंबाई या उसकी चौड़ाई जो है सही ढंग से नहीं बढ़ पाती। और वंश क्रम यानी वंश पे भी आधारित होता है, उनका हाइट जो भी होता है कि उनके माता पिता कितने हाइट के थे उसके आधार पर भी कभी कभी उनका हाइट भी उनको मापा जा सकता है। आर्थिक, सामाजिक आर्थिक स्थिति तथा वहन सहन का प्रभाव। आर्थिक स्थिति, अगर माँ बाप घर पर कमाने वाले एक ही व्यक्ति हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय होती है, सबों को पोषक युक्त भोजन नहीं मिल पाता है जिसके कारण उनके विकास में भी अवरोध उत्पन्न हो जाता है। जो दूध जैसे हम लोग कहते हैं कि पौष्टिक आहार जो मिलना चाहिए अगर उनको नहीं मिल पाता है, जैसे आजकल बहुत सारे मटेरियल आ गए हैं, हॉर्लिक्स आ गए हैं, बॉर्नविटा इत्यादि आ गए हैं, आप एडवर्टीजमेंट में भी देखते होंगे कि इसे पीने से बच्चों को उनमें काफी ग्रोथ उत्पन्न होता है, लेकिन माता पिता की आर्थिक स्थिति अगर खराब हो तो वो सब को प्रोवाइड नहीं कर सकते जिसके कारण उनके विकास में भी अवरोध उत्पन्न होने लगता है। तो अब हम आते हैं भार की बात। तो जन्म के समय बालक का भार 5 से 8 पाउंड तक होता है। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका भार जो होगा 5 से 8 पाउंड तक। पहले वर्ष के अंतर्गत अंत में बालक का भार जन्म के भार से 5 गुना अधिक होता है। परिपक्वता आने पर बालक का भार 70 से 90 पाउंड तक होता है, यानी जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका भार में वृद्धि होती रहती है। बालक का भार उसके शरीर की प्रकृति पर निर्भर करता है, शरीर की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का बालक है। अगर वो अगर उसके अनुवांशिक गुण जो होंगे काफी अधिक होंगे तो उसका भार तेजी से बढ़ेगा। 3 प्रकार के आकार होते हैं, जैसे मोटे, लंबे, सामान्य, यानी आकार को 3 भागों में बांटा गया है। भार के अनुसार शरीर का भार तीनों की प्रकृति पर निर्भर करता है। शरीर के आकार में भिन्नता, बालक जन्म से ही शरीर के आकार की भिन्नता लिए होता है, यानी उनके कभी कभी हम देखते हैं कि बालक जब कोई नन्हा बच्चा जो जन्म लेता है तो बहुत कोई परिवार वाले पूछते हैं कि अरे किस पे गया है, पिता पे गया है कि माता पे गया है, तो लोग कहते हैं कि नहीं माता पे गया है, कोई कहता है पिता के पे गया है, कोई कहता है कि नहीं चाचा पे गया है, तो हर एक प्रकार के बातें उत्पन्न होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसमें भिन्नता अधिक प्रकट होने लगती है। जन्म का भार विकास के वर्षों में अनुपातिक रूप से धारण करता रहता है। शारीरिक अनुपात अगर ध्यान दें तो जन्म के समय शरीर पौन
क्रोध शरीर के अनुपात में बहुत अंशों में भिन्न होता है। भुजाओं तथा टांगों में सर्वाधिक परिवर्तन तथा अनुपात पाया जाता है। शरीर का यह अनुपात किस प्रकार प्रकट किया जा सकता है? सिर, सिर के बारे में हम जाने बच्चों के सिर के बारे में, तो जन्म के बाद सिर अनुपातिक रूप से बढ़ता है। जन्म से परिपक्वता तक बालक के सिर की लंबाई दुगुनी हो जाती है। सिर का क्षेत्र 5 वर्ष की अवस्था में 21 वर्ष से कम हो जाता है। 10 वर्ष में सिर प्रौढ़ सिर तथा 95% हो जाता है। सिर की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात लड़के लड़कियों के समान पाया जाता है। चेहरा, अगर चेहरे पर गौर करें तो 8 वर्ष की आयु तक चेहरे का ढांचा जन्म की तुलना में बहुत बड़ा हो जाता है। जन्म की तुलना में बहुत बड़ा हो जाता है, पहले छोटा था अब वो बड़ा हो गया। परिपक्वता तथा अस्थायी दांत निकलते रहते हैं और इसी प्रक्रिया में रोटी जबड़ा मुंह नाक आदि आंतरिक अंग तुलनात्मक रूप से मस्तिष्क का विकास द्रुत गति से होता है। आयु के विकास के साथ साथ माथा चौड़ा होता जाता है, यानी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है उसके ललाट होते हैं माथे को होते वो चौड़े होने शुरू करते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके उंगलियां क्या होती है, छोटी होती है। 14 से 16 वर्षों तक इनका विकास पूर्ण होता है। 14 से 16 वर्ष की आयु तक भुजाओं का विकास होता रहता है। बालक की लंबाई तथा पैरों के आकार में अनुपात रहता है, यानी उसके पैरों के अनुपात जो होंगे काफी उससे मिलते जुलते होंगे। हड्डियों के बारे में अगर हम जाने तो बालक की हड्डियों प्रौढ़ से छोटी एवं कोमल होती है। हम लोगों की हड्डी काफ़ी मजबूत होती है ना, अगर हम किसी को मारते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चोट लगता है, लेकिन बालकों या छोटे बच्चों की हड्डियाँ क्या होती है, काफ़ी मुलायम होती है। धीरे धीरे उनके आकार में परिवर्तन होता है और अनेक नई हड्डियों का विकास होता है। जन्म के समय शिशु में 217 हड्डियाँ होती है। जब बच्चा जन्म लेता है छोटे बच्चे तो उनके शरीर में 270 हड्डियाँ होती है। पूर्णतः आने पर वो 350 हड्डियाँ हो जाती है, यानी जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके हड्डियाँ क्या होती है घटने लगती है और 350 यानी हर घटती नहीं है, यानी बहुत सारे डिजॉल्व हो जाते हैं और बहुत सारे एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं। पूर्णतः आने पर 350 हड्डियाँ हो जाती है, फिर कुछ हड्डियाँ समाप्त हो जाती है, कुछ हड्डियाँ धीरे धीरे खत्म हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है ना, और किसी में जाकर के मिल जाती है। परिपक्व अवस्था में इनकी संख्या 206 हो जाती है। मांसपेशियों तथा वसा, आरंभ में वसा तंतुओं की वृद्धि मांसपेशियों के तंतुओं से अधिक तीव्र होती है। शरीर का भार मांसपेशियों द्वारा विकसित होता है। बाल्य अवस्था में मांसपेशियों में जल अधिक होता है। जब छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग देखते हैं कि वह बहुत ही मोटा ताजा रहता है, लेकिन वो उसके अंदर जो होता है वो जल होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो समय बीतता जाता है वो उसके जो जल जो होते हैं निकास नली के द्वारा निकलते जाते हैं और धीरे धीरे वो पतला दुबला होते जाता है, फिर उसमें धीरे धीरे उसमें ग्रोथ शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे जल की मात्रा कम होने लगती है और ठोस तंतुओं का विकास होने लगता है, उसमें दृढ़ता आने लगती है। वसा युक्त पदार्थों का अधिक सेवन करने से चर्बी बढ़ने लगती है और फिर हम उन्हें क्या करने लगते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ों को खिलाने लगते हैं, तो धीरे धीरे उनके शरीर में जो वृद्धि होती है, जो मोटापन आता है, जो स्ट्रांग होते जाते मजबूती होती है वो सटीक होता है। दांत के बारे में अगर पढ़े तो बच्चों में अस्थाई तथा अस्थाई दांतें पाई जाती है। अस्थाई दांतों की संख्या 30 तथा अस्थाई दांतों की संख्या 32 होती है।
अस्थाई दांत तीसरे मांग से छठे मांग तक अवश्य आ जाते हैं, 5 से 6 वर्ष तक दांत आ जाते हैं तथा अस्थाई दांत के गिरने गिर जाने पर अस्थाई दांत उनका स्थान ले लेते हैं। देखते हैं कि जब बच्चा जैसे 3 महीने का होते हैं तो उनका दांत आना शुरू कर देते हैं, लेकिन दांत आने के बाद उनमें बहुत सारे परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को खाना आना शुरू हो जाता है, बहुत सारे बच्चों को खांसी सर्दी होना शुरू हो जाता है, बहुत सारे बच्चों को दस्त होना शुरू हो जाता है, जो काफी उसका इलाज कराना बहुत ही जरूरी है। आंतरिक अवयव देखा जाए तो शरीर के आंतरिक अवयव का विकास भी अनेक रूपों में होता है। यह विकास रक्त संचार, पाचन संस्थान तथा श्वसन प्रणाली में होता है। बचपन में पाचन अंग कोमल होते हैं, प्रौढ़ अवस्था में वे कठोर हो जाते हैं। यानी छोटे बच्चों को जब अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ खिलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो नहीं समझते हैं कि उनका पाचन तंत्र काफी कमजोर है, और कमजोर होने के कारण उन्हें काफी व्याधियां उत्पन्न होने लगती है, वो कमजोर हो जाते हैं, नष्ट होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन लोग मजाक मजाक में कुछ ना कुछ उसे खिला देते हैं या चटा देते हैं। स्नायु और संस्थान का आकार भी आयु के विकास के साथ साथ होता है। आंतरिक विकास के अंतर्गत स्नायु मंडल का संगठन, कार्य चेतना तथा लगातार क्रियाओं का संतुलन, श्वसन प्रणाली, गुर्दा तथा मूत्राशय का विकास भी होता है। यानी उसी दौरान उनका हर एक प्रकार का विकास होना शुरू हो जाता है। मस्तिष्क का विकास भी आंतरिक अवयव के विकास के अंतर्गत ही होता है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले हम देखेंगे शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत हम जानेंगे कि स्वास्थ्य शिक्षा का निवास की उत्तम दशाओं से घनिष्ठ संबंध है। उचित या अनुचित प्रकार से आयोजित मनोरंजन और विश्राम, अपौष्टिक भोजन, कम हवादार निवास स्थान एवं दोषपूर्ण वंशाक्रम के समान तत्व स्वस्थ विकास में बाधक होते हैं। कारकों में से अधिक महत्वपूर्ण जो निम्न है वो हम जानेंगे। वंशानुक्रम, माता पिता के स्वास्थ्य और शारीरिक रचना का प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ता है। यानी माता पिता का स्वास्थ्य और उनके शारीरिक रचना का वो बहुत होता है असर उनके बच्चों पर भी देखा जाता है। यदि वे रोगी और निर्बल हैं तो उनमें उनके बच्चे भी वैसे ही होंगे। स्वस्थ माता पिता की संतान का भी स्वस्थ शारीरिक विकास होता है। यानी कहा जाए जब बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म लेने से पूर्व बहुत सारे टेस्टिंग इत्यादि कराए जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि जाकर के माता पिता अपना ब्लड सैंपल लीजिए, जिससे कि वो पता लगा सके कि बच्चों में किसी प्रकार की खामियां तो नहीं है, या आने वाले बच्चों में किसी प्रकार का ग्रोथ इफेक्ट तो नहीं है, या किसी प्रकार के शारीरिक विकास को लेकर के उनमें अवरोध तो पैदा नहीं होंगे। वातावरण के आधार पर हम देखें तो बालक के स्वाभाविक विकास में वातावरण के तत्व सहायक या बाधक होते हैं। इस प्रकार के कुछ मुख्य तत्व है जैसे शुद्ध वायु, यानी जिस परिवेश में बच्चा रह रहा है वहाँ का वातावरण शुद्ध है कि नहीं, वहाँ पर फैक्ट्रिया इत्यादि को है तो नहीं, पर्याप्त धूप, अगर बच्चा जहाँ पे है वहाँ पर उसको पर्याप्त मात्रा में धूप मिल रही है, जिसके कारण अगर न मिले तो उसमें क्या होता है ग्रोथ, जैसा कि हम जानते हैं कि धूप में विटामिन डी होता है जो शरीर के ग्रोथ के लिए काफी जरूरी होता है। स्वच्छता, वहाँ का आसपास का वातावरण स्वच्छ है कि नहीं, गंदगी तो नहीं है, अगर गंदगी है तो मक्खी मच्छर उधर है उसको क्या करना है साफ इत्यादि कर देना है। तो ये सब जो है हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। तब कलयुग तक बंद मकानों में रहने वाले बालक किसी न किसी रोग से के शिकार बनकर अपने स्वास्थ्य को खो देते हैं। यानी इस तरह के जगह पर रहने वाले बच्चे क्या होते हैं अपने उनका स्वास्थ्य जो होता है दिन प्रतिदिन बिगड़ते जाता है और वह धीरे धीरे कमजोर इत्यादि होना हो जाते हैं। यदि बालक का शरीर, पहनने के वस्त्र, रहने का स्थान, खाने का भोजन आदि स्वच्छ है तो उसका शारीरिक विकास द्रुत गति से होता है। यानी कहने का बात है बालक का शरीर, पहनने के वस्त्र, कभी कभी क्या होता है हम लोग में परंपरा होती है
बड़ा भाई का अगर कपड़े छोटे हो जाते हैं तो छोटे भाई को देते हैं, लेकिन मालूम चलता है कि अगर बड़ा भाई को वो कपड़ा ढीला हो गया छोटे भाई को पहनाया जाता है तो उसको भी टाइट पहनाया जाता है, लेकिन लोग उसकी लंबाई तो होती है लेकिन वो उसके शारीरिक रूप से वो फैलाव नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो उसके शारीरिक रूप में वृद्धि में भी रुकावट होती है। इसीलिए बच्चों को ज्यादातर बड़े होने वाले बच्चों को ढीला ढाला नहीं पहनना काफी अच्छा रहता है। और ये भी कहते हैं कि राजन का स्थान स्वच्छ होना चाहिए, खाने का भोजन पौष्टिक इत्यादि रूप में होना चाहिए। पौष्टिक भोजन को अगर हम ध्यान में रखें तो पौष्टिक भोजन थकान का सब शत्रु और शारीरिक विकास का परम मित्र है, अतः बालक के उत्तम शारीरिक विकास के लिए पौष्टिक भोजन दिया जाना आवश्यक है। यानी पौष्टिक भोजन में सबसे पहले लोग कहते हैं कि दूध पिलाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दूध को पूर्ण आहार के रूप में माना जाता है, क्योंकि उसको पीने से बच्चों के विकास बहुत सारी जो कमियां होती है वो दूर होना शुरू हो जाती है। नियमित दिनचर्या, बच्चों के दिनचर्या जो होते हैं वो नियमित रूप से रखना चाहिए। अगर कहा जाए तो नियमित दिनचर्या उत्तम स्वास्थ्य की आधारशिला है, यानी कितने घंटे सोना चाहिए, कितना बजे उठना चाहिए, है ना, उनकी दिनचर्या को ध्यान में रखना चाहिए। बालक के खाने सोने खेलने पढ़ने आदि के समय निश्चित होना चाहिए, यानी हम सब भी अभिभावक हैं, बहुत सारे लोग अभिभावक हैं, तो उनको ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चों को बालक के खाने से लेकर के सोने खेलने पढ़ने तक की समय को निश्चित करना चाहिए, ताकि बच्चों को भी टाइम टेबल का भी ज्ञान होता रहे और किंतु विकास में अवरोध उत्पन्न न हो और इस तरह से वो दिनचर्या को जानना शुरू कर दे। इन सब कार्यों को नियमित समय पर होने से उसके स्वस्थ विकास से विकास में बहुत ही कम बाधाएं आती है, यानी उसके विकास में अवरोध उत्पन्न कम होते हैं, यानी समय पर हर एक प्रकार के कार्य को वो पूर्ण करना सीख जाते हैं बचपन से ही। अगर बचपन से ही आप बच्चों को टाइम टेबल में रखना शुरू कर दे तो आगे चलकर के आपको किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। आपको यहाँ तक बोलना भी नहीं करना बोलना भी नहीं पड़ेगा कि बच्चों जाओ पढ़ो, है ना, वो अपना खुद समय को देखेंगे और जाकर के खुद पढ़ने बैठ जाएंगे। संध्या के समय अगर टाइम फिक्स है शुरू से फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो वो उसको वो मानसिक रूप से भी वो काफी प्रिपेयर रहता है कि हाँ यह समय जो हमारे पढ़ने का समय है, यह समय जो हमारे खेलने का समय है। उसके बाद हम देखेंगे निद्रा एवं विश्राम, विश्राम के बारे में हम जानेंगे, निद्रा के बारे में कि शरीर के स्वस्थ विकास के लिए निद्रा और विश्राम अनिवार्य है। ऐसा ना हो कि दिन भर हम बच्चे को खेलने के लिए छोड़ दें, दिन भर हम उसको सुबह रात में 9 बजे सोया और सीधा 12 बजे या 11 बजे घुस धूप में दे, यह जो है हमारे शारीरिक पर शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है इसके कारण। तो शिशु के लिए 12 घंटे बाल्यावस्था और किशोरा के क्रमशः लगभग 10 और 8 घंटे की निद्रा पर्याप्त होनी चाहिए, यानी जो छोटे से बच्चे हैं उनको 12 घंटे तक सोना चाहिए। लोगों का मानना है कि बच्चा जितना सोएगा उतना ही उनके बुद्धि का विकास होगा, लेकिन अगर शारीरिक रूप से देखा जाए तो बुद्धि का विकास होता ही है, उसके शरीर में भी काफी परिवर्तन होते रहते हैं, उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स भी होते हैं उनमें भी काफी परिवर्तन होते हैं। और जो किशोरावस्था में जो बच्चे भी होते हैं उनको 8 से 10 घंटे तक की निद्रा देनी चाहिए, ताकि उसी के दौरान वो खेलते कूदते और कभी कभी थक भी जाते हैं तो 8 घंटे तक सीमित कर दिया गया है कि वो उस निद्रा को प्राप्त करे। बालक को इतना विश्राम मिलना आवश्यक है क्योंकि थकान उसके विकास में बाधक सिद्ध होता है। कहा जाता है कि एक छोटा सा बालक जो है, छोटा सा जो 1 साल से नीचे जो है, वो काफी उसमें हम लोगों से भी ज्यादा एनर्जी उत्पन्न होती है। आप देखते होंगे कि वो दिन भर हाथ पांव चलाते रहते हैं, तो जितना वो चलाएंगे उसके अनुसार उनको निद्रा भी चाहिए। अगर वो नहीं सोते हैं लेकिन जबरदस्ती बहुत सारे लोग क्या करते हैं उनको उठा कर रखते हैं, जिसके कारण उनके शारीरिक और मानसिक पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। इसलिए उनको निश्चित किया गया है कि कम से कम 12 घंटे का नींद जरूर दें। प्रेम के बारे में अगर हम जाने तो बालक के उचित शारीरिक विकास का आधार प्रेम है।
यदि उसे अपने माता पिता का प्रेम नहीं मिलता है तो वो दुखी रहने लगता है। यदि उसके माता पिता की आयु में मृत्यु हो जाती है तो उससे असहाय कष्टों को सामना करना पड़ता है, उसके शरीर का विकास हो पाना असंभव हो जाता है। यानी प्रेम के कारण इसमें बताया गया कि बच्चों से प्रेम भी करना चाहिए, न कि उनकी बात उनसे उल्टा जैसे व्यवहार करना चाहिए, प्यार से भी उनको बताना चाहिए, हर प्रकार के चीजों को समझाना चाहिए कि बच्चे ऐसे मत हो, ऐसे ऐसे न हो, काफी अच्छा रहेगा। तो प्रेम जो होता है उनके उनके मानसिक और शारीरिक रूप में भी विकास आता है। अगर हम प्रेम से बोलते हैं बेटा ऐसे नहीं करो, ऐसे करोगे तो चोट लग जाएगी या किसी प्रकार के, तो वो उन बातों को फॉलो भी करते हैं। सुरक्षा, सुरक्षा बहुत ही जरूरी है बच्चों के लिए। शिशु या बालक के समय विकास के लिए उसमें सुरक्षा की संभावना होना अति आवश्यक है। इस संभावना के अभाव में वो भय का अनुभव करते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं घर में, अक्सर छोटे बच्चे क्या करते हैं खेलते रहते हैं और सब अपने समाधि को खेलों की तरफ छोड़ देते हैं, लेकिन उनको ध्यान नहीं रहता है कि वो उसे उठा करके रखते हैं। लेकिन हम जैसे माता पिता को ये ध्यान रखना है कि एक छोटा सा तिनका, अगर कहा जाए तिनका भी, अगर उनके पैरों पर पैरों के नीचे आ जाता है या वो कोई फिसल कर गिर जाता है वो काफी दुखदायी होता है, तो उनकी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आप ध्यान नहीं देते हैं छोटी सी भूल भी उनको काफी नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए ध्यान रखेंगे कि जो भी बच्चे अगर खेलते आपके घर में छावन पर या जमीन पर खेलते रहते हैं तो अगर हर एक प्रकार की चीजों को छोड़ देते हैं, अगर वो चीजों को छोड़ करके दूसरी जगह जाते हैं तो आपको उठाना बहुत जरूरी हो जाता है, नहीं तो वही क्या हो जाता है दुख का कारण बन जाता है। तो सुरक्षा बहुत ही जरूरी है और आत्मविश्वास को बैठना है। यानी अगर कहा जाए कि अगर बच्चे का अपने उस समय नहीं समझ पाते कि क्या करना चाहिए, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, ये दोनों बातें उसके विकास में अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। खेल या व्यायाम, तो खेल और व्यायाम के बारे में ध्यान दें तो शारीरिक विकास के लिए खेल और व्यायाम के प्रति विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। छोटा शिशु पलंग पर पड़ा पड़ा ही अपने हाथ पैर को चलाकर पर्याप्त व्यायाम कर लेता है, वो बालकों और किशोरों के लिए खुली हवा में खेल और व्यायाम नहीं उचित संभव व्यवस्था की जाना आवश्यक है। अन्य कारक अगर हम ध्यान दें तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ अन्य कारक भी है, जैसे रोग या दुर्घटना के कारण शरीर में उत्पन्न होने वाली विकृत या योग्यता, अच्छी और खराब जलवायु, दोषपूर्ण सामाजिक परंपराएं, बाल विवाह इत्यादि, परिवार के रहन सहन पर आर्थिक स्थिति, मानसिक विकास की ओर अगर ध्यान दें तो मानसिक विकास से अभिप्राय है मानसिक शक्तियों का विकास या ज्ञान भंडार। ज्ञान भंडार में वृद्धि और उसके उपयोग से है। मानसिक शक्तियों के उदय तथा वातावरण के प्रति समायोजन की क्षमता का नाम मानसिक विकास है। मानसिक विकास की संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, अधिगम, स्मरण, अवधान, निरीक्षण, चिंतन, तर्क, समस्या समाधान आदि शक्तियां आती है। मानसिक विकास की प्रक्रिया जटिल होती है। इस जटिल प्रक्रियाओं के आधार पर ही पर किसी संकल्पना का निर्माण करना संभव नहीं है, अतः यह कुछ मापदंड है जिसमें मानसिक विकास पता चलता है। कुछ उनके बारे में हम जानेंगे, जैसे बुद्धि में वृद्धि क्या होती है, बुद्धि का विकास कितने अंशों तक हुआ। टर्मन ने अनमोल चिंतन में अपने योग में कहा है कि अनुवांशिक और संभाव्य योग्यता, अर्जित बुद्धि योग्यता, बच्चों के विकास का ढंग, परिवेश तथा परिस्थितियां, परिवेश में मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक परिस्थितियां मानसिक विकास का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त परिणाम का रूप है। मानसिक विकास क्रियाओं में वृद्धि, तो मानसिक क्रियाओं में वृद्धि हम जानेंगे कि मानसिक क्रियाओं में वृद्धि होने से ही मानसिक विकास का अनुमान लगाया जाता है। 15 वर्ष की आयु को
मानसिक परिपक्वता का आधार मानकर बाकी वर्षों में मानसिक स्तर को पहचाना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक वृद्धि की रोग विभिन्न आयु वर्षों में होने लगती है। मानसिक क्रियाओं की वृद्धि के ज्ञान के लिए शब्द ज्ञान, उपमाएं, रिक्त मूर्ति, विपरीत शब्दों के परीक्षण का उपयोग अधिक किया जाता है। तो मानसिक क्रियाओं में वृद्धि बताया जा रहा है कि बच्चों में मानसिक विकास की वृद्धि अगर देखा जाए तो 15 वर्ष तक होती है। अगर 15 वर्ष के अंतर्गत अगर बच्चों को जितना रटाया जाए, जितना ज्ञान दिया जाए, वो उसको अडॉप्ट कर लेता है और वो जिंदगी भर नहीं भूलता है उन चीज़ों को। अगर मरने के पहले भी अगर उससे पूछा जाए तो वो उस चीज़ को बता सकता है। तो इसीलिए इस क्षण में बच्चे जब बड़े होते हैं तो 15 वर्ष की अवस्था तक उनमें रटने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है और वो जब तक उसको रटेंगे वो हमेशा हमेशा के लिए उनको याद रहेगा। तो इसीलिए छोटे अगर बच्चे हैं तो उनको ज़्यादा रटवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दीजिए ताकि वो ज्ञान जो है वो हमेशा हमेशा के लिए रहे। उसके बाद हम आते हैं भाषा विकास। मानसिक विकास का पता भाषा विकास ही चलता है। भाषा के द्वारा ही अर्जित ग्राह्य शक्तियों तथा नवीन क्रियाओं को सीखने की क्षमता विकसित होती है। प्रारंभिक वर्षों की अपेक्षा बाद के वर्षों में बालक जटिल वाक्य रचना तथा अधिक शब्दों को सीखता है। यानी भाषा विकास में, यानी इस अवस्था में बच्चे अधिक से अधिक शब्दों को जानता है, अधिक से अधिक शब्दों का ज्ञान मिलता है। संकल्पनात्मक विकास, संकल्पनात्मक विकास जो है निर्माण में महत्वपूर्ण मानसिक विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। बाल्यावस्था तक बालक मांसपेशियों का पर नियंत्रण तथा पदार्थों को देखने में स्थिरता को विकसित करता है। बालक जो कुछ भी चिंतन करता है उसका आधार करता है, जो वह जो देखता है उसी पर विश्वास करता है। बुद्धि के विकास का आभास इस बात से भी चलता है कि बालक में किसी प्रकार की संकल्पना विकसित हो। तो ध्यान रखेंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए, सबों के लिए। क्या होता है कि बच्चे बहुत सारी चीजों को देखते हैं तो बहुत सारी चीजों को वो जानने की कोशिश करते हैं। तो बहुत समय ऐसा होता है कि बच्चे जो है बहुत सारे गलत चीजों को देखते हैं और ज्यादा से ज्यादा उससे जानते हैं और उसको अपनाते भी हैं। यानी उनमें टेंडेंसी यह होता है कि वो उन चीजों को अपनाए और खुद करने का प्रयास करते हैं। और बच्चे कभी कभी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो छिप कर भी देखना पसंद करते हैं। अगर गलत चीजें हैं तो वो चाहेंगे कि अगर माँ बाप के सामने बोल रहा करके कम से कम उसे छिप कर दे। इसीलिए कोई भी कार्य हो, कोई भी चीजें हो या कोई भी बातें जो आप करते हैं घर पर, परिवार पर या क्लास में, या कोई भी टीचर एक साथ आकर के कुछ मजाक कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है कि वो जो चीजें हैं बच्चों तक न पहुंचे, वो हमारे बीच ही सीमित हो। अगर बच्चे उसे जानेंगे तो क्या करेंगे, उसे सीखेंगे। मान लीजिए हम लोग मजाक कर रहे हैं, है ना, कुछ अलग तरीके से मजाक करें और सामने बच्चे हैं तो उन पर क्या होता है, काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। वो उस मजाक को क्या कर लेते हैं, ये सर ऐसे बोल रहे थे, वो सर ऐसे बोल रहे थे, इस तरह का मजाक कर रहे थे। तो इन चीजों को हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है कि किसी प्रकार के जो मजाकिया बात होते हैं वो हमेशा अलग रह करके करना चाहिए, या माता पिता हो या अपने शिक्षक के ग्रुप में हो, तो बच्चों से काफी हट करके। तो यह हमें बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, हमें ध्यान में रखना चाहिए। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बहुत सारे कारक ऐसे हैं जो हमारे बच्चों के मानसिक विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम, बालक वंशानुक्रम से कुछ मानसिक गुण और योग्यताएं प्राप्त करता है जिनमें वातावरण किसी प्रकार का अंतर नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति का उससे अधिक विकास नहीं हो सकता जितना कि उनका वंशानुक्रम संभव बनता है। परिवार का वातावरण, परिवार के वातावरण के बारे में अगर हम जाने तो परिवार के वातावरण का बालक के मस्तिष्क मानसिक विकास में घनिष्ठ संबंध है। एक अच्छा परिवार जिसमें माता पिता में अच्छे संबंध होते हैं, जिनमें वे अपने बच्चों की रुचियों और आवश्यकताओं को समझते हैं एवं जिनमें आनंद एवं स्वतंत्रता का वातावरण है, प्रत्येक सदस्य में मानसिक विकास में अत्यधिक योग्य होता है।
यानी कहा जा रहा है कि परिवार का वातावरण भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। माता पिता के माता पिता में प्रेम संबंध होना चाहिए, माता पिता एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें। अगर वही आदर एवं सम्मान एक दूसरे का करते हैं तो वो चीज़ें जो है बच्चे जो है उन्हें देखते हैं और यह जो प्रक्रिया जो होती है उनके मन पर पड़ती है और वो उस तरह का व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। तो ये जरूरी है कि परिवार में रह कर भी हम क्या करें, एक दूसरे का सम्मान करें, जिसको देख करके बच्चे भी क्या करें उसको फॉलो करें। परिवार की सामाजिक स्थिति, अब परिवार की सामाजिक स्थिति के अंतर्गत अगर हम देखें तो उच्च सामाजिक स्थिति के परिवार के बालक का मानसिक विकास अधिक होता है। इसका कारण यह है कि उसको मानसिक विकास के जो साधन उपलब्ध होते हैं वे निम्न सामाजिक स्थिति के परिवार के बालक के लिए दुर्लभ होते हैं। यानी बहुत सारे क्रियाएँ जो होते हैं काफ़ी दुर्लभ होते हैं, कठिनाई उत्पन्न हो जाती है अगर सामाजिक रूप में अगर उसे ध्यान दिया जाए तो, अगर सही रूप से नहीं निकलता है, अगर व्यवहार नहीं होते तो उनके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। परिवार की आर्थिक स्थिति, प्रतिभाशाली बालक दरिद्र क्षेत्रों से आने के बजाय अच्छी आर्थिक स्थिति वाले परिवारों से अधिक आते हैं। इनका कारण यह है कि इन बालकों को कुछ विशेष सुविधाएं उपलब्ध है और उचित भोजन उपचार के पर्याप्त साधन, उत्तम शैक्षिक अवसर, आर्थिक कष्ट से सुरक्षा मिलती है। अगर परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी है तो बालक पर उसका प्रभाव काफ़ी अच्छा पड़ता है, अगर बुरा है तो उसका प्रभाव काफ़ी बुरा पड़ेगा। माता पिता की शिक्षा, अगर अशिक्षित माता पिता की अपेक्षा शिक्षित माता पिता का बालक के मानसिक विकास पर कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है। माता पिता की शिक्षा बच्चों की मानसिक योग्यताएं से निश्चित रूप से संबंधित होती है। अगर माता पिता शिक्षित हो तो उनके बच्चे भी काफ़ी शिक्षित होते हैं, लेकिन हमारे विद्यालय में बहुत सारे परिवार वाले ऐसे होते हैं जो शिक्षित नहीं हैं, लेकिन उनके भी बच्चे क्या होते हैं, शिक्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को देखते हैं, परिवार की तरह उसमें मिल करके रहते हैं। बहुत सारे खेल कूद में आप देखते होंगे कि बच्चे जो है एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, या आजकल तो बहुत सारी गैजेट इत्यादि आ गए हैं जिसको फॉलो करते हैं और उनके विषय में जानने की कोशिश करते रहते हैं। उचित प्रकार की शिक्षा, बालक के मानसिक विकास के लिए उचित प्रकार की शिक्षा अति आवश्यक है। ऐसी शिक्षा ही उसके मानसिक गुणों और शक्तियों का विकास करती है। शिक्षा मनुष्य की शक्ति का विशेष रूप से उसकी मानसिक शक्ति का विकास करती है। यानी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि शिक्षा जैसी होगी उसमें मानसिक विकास उतना ही अधिक होगा, उतना ही अच्छा होगा। विद्यालय के बारे में अगर हम जाने, अच्छा विद्यालय बालक के मानसिक विकास का वास्तविक और महत्वपूर्ण कारक है। और हमारा विद्यालय जो है काफ़ी अच्छा है, ये भी हम जानते हैं। हमारा विद्यालय में बहुत सारे जो शिक्षक जो है काफ़ी अच्छे हैं, वो हमेशा अच्छी शिक्षा देते हैं। अच्छा विद्यालय ऐसा पाठ्यक्रम प्रस्तुत करता है जो क्षेत्रों की रुचि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न क्रियाओं को परिपूर्ण करता है। यानी क्षेत्र के आधार पर, यानी जो सब्जेक्ट के जो शिक्षक होते हैं वो उसके आधार पर चाहते हैं कि उनको अच्छे से अच्छी शिक्षा दे सके, जिसके कारण उनके मानसिक विचार में भी वृद्धि हो, वो कुछ अच्छे ढंग से समझ सके, अच्छे ढंग से क्रियाकलाप को कर सके। और ऐसा विद्यालय स्वस्थ मानसिक विकास का एक वास्तविक कारण होता है। यानी विद्यालय अगर अच्छा हो, वहाँ पे पढ़ाने वाले शिक्षक अगर अच्छे हो तो बच्चों में भी काफ़ी शिक्षा उत्पन्न होती है, बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। शिक्षक, हम लोगों के विषय में क्या बताया गया है कि बालक के मानसिक विकास में शिक्षक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। यदि शिक्षक का मानसिक विकास अच्छा है, यदि वह बालक के प्रति प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करता है और वह शिक्षण विधि एवं उचित शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करता है तो बालक का मानसिक विकास होना स्वाभाविक है। यानी कहा गया है कि शिक्षक को भी अच्छा होना चाहिए, उनके विचार उत्तम होने चाहिए, है ना, उसमें उनकी मानसिक विकास बहुत ही अच्छे ढंग से होनी चाहिए। अगर वो जिस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे उसी तरह से बच्चे फॉलो करेंगे, अगर बहुत सारे कुछ इत्यादि का अगर हम प्रयोग करते हैं तो बच्चे जो है काफ़ी अच्छे ढंग से उसे सीखते हैं।
समझने की कोशिश करते हैं और इस तरह से उनका मानसिक विकास में काफी वृद्धि होता है। शारीरिक स्वास्थ्य, अगर शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें तो शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक विकास का मुख्य आधार है। निर्बल और अस्वस्थ बालक की अपेक्षा सबल और स्वस्थ बालक अधिक परिश्रम करके अपने मानसिक विकास की गति और सीमा की वृद्धि कर सकता है। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य पर अति प्राचीन काल से बल दिया जाता है। एक अरस्तु कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ये सही बात है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। और यह भी बताया गया कि समाज प्रत्येक बालक का जब न किसी समाज में होता है वही समाज उसके मानसिक विकास की गति और सीमा को निर्धारित करता है। यदि समाज में अच्छे विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय, बाल संभव भवन, मनोरंजन की साधनों आदि की उत्तम व्यवस्था है तो बालक का मस्तिष्क अविराम की गति विकसित होता चला जाता है। अब हम आते हैं सामाजिक विकास। बालक जन्म के समय से समाज जितने छोटा है उम्र बढ़ने के साथ साथ बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया हो जाती है जिसके फलस्वरूप सामाजिक गुणों का विकास होता है। कुछ हम देखेंगे इसमें आरंभिक सामाजिक अनुक्रिया है। शैशवावस्था में बालक का सामाजिक संपर्क माता तथा उसके इर्द गिर्द का वातावरण होता है। माता के चेहरे को देखकर वह मुस्कुराता है वही उसका सामाजिक संपर्क है। बालावस्था में मानसिक संपर्क बढ़ता रहता है और उसी तरह अनुक्रियाएं भी करता है। वह अपने अपराध को पहचानता है ना। कभी कभी क्या होता है कि छोटे बच्चे अपनी माता पिता को देख करके मुस्कुराते हैं लेकिन वही उनको रिस्पॉन्स भी देते हैं लेकिन वही कोई दूसरे व्यक्ति होते हैं जिसे वो पहचानता नहीं है तो वो किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं देता या तो वो रोना शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देता है। समाज अन्य बालकों के साथ अनुक्रिया सामाजिक विकास एकांकी का यानी बालक एक दूसरे को देख करके ज्यादातर अनुक्रिया करता है। अगर बालक उसको जीत चुराता है तो दूसरा बालक भी उसको जीत चुराता है ना। तो यह चीज को हमेशा उसका अनुसार होता रहता है। प्रति लड़ाई जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं उसके व्यवहार में लड़ाई झगड़ों की संख्या बढ़ने लगती है। उनके कारण जब भी बच्चे की कार्य की गति में अवरोध उत्पन्न किया बालक लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि बड़े समाज मान्यता प्राप्त विषयों से बच्चों को प्रशिक्षण देंगे तो उनके झगड़े होने की संभावना कम होगी। यानी अगर अच्छे ढंग से शिक्षा दी जाए तो उनमें झगड़े जैसी बातें भी नहीं हो सकती है। कभी कभी हम दूसरे बच्चों को कहते हैं अरे छोड़ ना दो, ऐसे होता रहता है, छोड़ दो गलती से लग गया है, तो ऐसे समझाने से वो समझ जाता है। अगर उसके सामाजिक विकास के बारे में अगर हम जाने तो शारीरिक एवं मानसिक विकास स्वस्थ और विकसित मस्तिष्क वाले बालक का सामाजिक विकास अस्वस्थ और कम विकसित मस्तिष्क वाले बालक की अपेक्षा अधिक होती है। पालन पोषण की विधि, माता पिता द्वारा बालक के पालन पोषण की विधि उसके सामाजिक विकास पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। सामान्यतः के आधार पर पाला जाने वाला बच्चा बालक कहीं भी अपनी हीनता का अनुभव नहीं करता और बहुत लाड़ प्यार से पाला जाने वाला बालक दूसरे बालकों से दूर रहना पसंद करता है। तो लाड़ प्यार से अगर आप बच्चे को पालते हैं तो वो हमेशा क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, वो हमेशा किसी से घुल मिल नहीं सकता है। आर्थिक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत देखें तो सामाजिक व्यवस्था बालक के सामाजिक विकास को एक निश्चित रूप से और दिशा प्रदान करती है। समाज कार्य आदर्श और प्रतिमान बालक के दृष्टिकोणों का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि ग्राम और नगर जनतंत्र अधिनायकतंत्र में बालक का सामाजिक विकास विभिन्न प्रकार के होते हैं। उसके अंतर्गत अगर हम देखें संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास मानव जीवन के विकास तथा उन्नति हेतु अपना विशेष महत्व रखते हैं। यह विकास मानव जीवन
जीवन को प्रभावित करते हैं। संवेग अंग्रेजी शब्द से लिया गया है। उसके अंतर्गत हम संवेगात्मक विकास की कोई दो दशाओं को हम देखें, बाहर शारीरिक परिवर्तन, आंतरिक शारीरिक परिवर्तन। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक जो है वो निम्न है, थकान है, स्वास्थ्य है, मानसिक योग्यता है, अभिलाषा है, परिवार है, माता पिता का दृष्टिकोण, बालक के प्रति माता पिता का दृष्टिकोण उसके संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करता है। बच्चों की उपेक्षा करना, बहुत समय तक घर से बाहर रहना, बच्चों के बारे में आवश्यकता से अधिक चिंतित रहना, बच्चों को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य करने की आज्ञा न देना और बच्चों को क्रोध के सदस्यों को प्रेम का पात्र बनाना, माता पिता की सब बातें बच्चों को अवांछनीय संवेगात्मक व्यवहार को बढ़ाती है। भाषा विकास के अंतर्गत हम देखेंगे कि भाषा का विकास बौद्धिक विकास की सर्वाधिक उत्तम कसौटी मानी जाती है। बच्चे को सर्वप्रथम भाषा का ज्ञान परिवार से होता है और विद्यालय तथा समाज के संपर्क में आने पर उनका भाषीय ज्ञान बढ़ता है। यानी जैसे ही वो विद्यालय में आता है उसके भाषा में क्या होता है, परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। यानी घर के लैंग्वेज का जो भाषा होती है उससे वह अलग बोलना शुरू कर देता है। और भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक अगर हम ध्यान दें तो स्वास्थ्य है, बुद्धि है, हकलापन है, सामाजिक आर्थिक स्तर है, पारिवारिक संबंध है, परिकाधिक संबंध है। मूल्य परक विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो है वो हम जानेंगे। तो परिवार बालक के नैतिक विकास में परिवार का वातावरण अपने से बड़ों का उदाहरण तथा माता पिता के संस्कारों को बढ़ावा देती है। चरित्र की कुछ मुख्य विशेषताएं अगर कहा जाए तो अगर माता पिता जो होते हैं वो अनुभवी होते हैं, उससे बच्चे क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और साथ ही साथ जो शिक्षकगण भी है वो भी अनुभवी होते हैं, इसलिए अपनी समझ के अनुसार उनको बताते हैं कि बेटा ऐसा न करो, ऐसे करने से तुम्हें बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो यह मूल्य परक के अंतर्गत आएंगे। अब हम आते हैं साहित्य के अनुसार अगर देखा जाए तो बालक के चारित्रिक विकास में साहित्य का बड़ा उपयोग सिद्ध होता है। साहित्य के अनुसार अगर जो कुछ भी वो पढ़ता है, लिखता है, वो उसके गुणों में परिवर्तन लाता है। जैसे वो अच्छी कहानियां पढ़ता है तो अच्छे चीजों को सीखता है, बुरे कहानियों को पढ़ता है तो वो बुरे चीजों को सीखता है। बालक की कहानियां बड़ी अच्छी लगती है, अच्छी कहानियां बालक को उदारता, दया, त्याग, परोपकार तथा देशभक्ति की भावना भर सकती है। सभी देशों कहा जाए इतिहास अगर देखा जाए तो माता जीजा दूरदर्शन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। दूरदर्शन भी चलचित्र के समान हमारी नेत्र इंद्रियां, कर्ण इंद्रियां दोनों को प्रभावित करती है। चलचित्र को देखने के लिए छवि गृह में जाना जाता है, परंतु दूरदर्शन तो घर में ही देखा जा सकता है। इस प्रकार का प्रभाव चलचित्र से ही कहीं अधिक पड़ता है। यानी किस प्रकार के चलचित्र को देखें या हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को दिखाना चाहिए जिसके कारण उनमें अच्छा परिवर्तन हो, अच्छा विकास हो। और इस तरह से हमारा जो है बालकों को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक है, इसके बारे में हम जान गए हैं। अब हम क्या इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।